जी स्टूडेंट uh, कंफर्म करें आवाज एंड स्क्रीन शेयर है जी मैम क्लियर क्लियर है चलिए स्टार्ट करते हैं कल मैंने आज हम देखेंगे सोर्सिंग के जो है ना मेथड्स क्या क्या है सप्लाय डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड आउट करने के मल्टीपल मेथड्स हैं लेकिन इसमें जस्ट एक दो एक्सप्लेन करेंगे और प्रीवियस मैंने ब्रांड हंटिंग के आपको बताए थे थी, दो तीन मेथड तो उनको ज़रूर आपने इम्प्लीमेंट करना है और वो जो लिंक है वो मैंने अनलिस्ट कर दिया था और उसको आपने देख के और उसको जो है ना वो असाइनमेंट मुझे सबमिट करवानी है कमिंग क्लास से पहले अब इसमें ये जो असाइनमेंट्स मैंने आपको सबमिट करने के लिए दी है ना ये सिर्फ एक दिन में तो कभी भी नहीं होंगी पॉसिबल नहीं है लेकिन आप ट्राई करें ये कमिंग क्लास जो है ना हमारी सैटरडे की उससे पहले पहले आप ये हम, हमें सबमिट करवाएं ठीक है और कंपलसरी है ये असाइनमेंट्स ठीक है अगर ये आप कर कर जाते हैं ना प्रैक्टिकली तो देन कोई भी चीज़ इसमें आपको आगे जाके कर हर्डल फील नहीं होगी अगर कोई ऐसा सोच रहा है ना कि जब मैंने काम करना है तभी मैं स्टार्ट करूँगा और तभी मैं जो है ना इसको लेके मतलब ईजीली हो जाएंगी चीज़ें तो अवेल हैं और वीडियोज़ अवेल हैं मैं यहाँ से देख के कर लूँगा ये कर लूँगी ऐसा बिल्कुल नहीं होता Uh, क्योंकि देखें अगर जिसने अभी नहीं ना किया ये प्रैक्टिकली नहीं परफॉर्मेंस की उसने कभी भी नहीं करनी ये तो ग्रंटेड बात होती है बाद में नहीं ये चीज़ें होती हैं इवन कि हमारे पास भी इतना स्टाफ होता है इसमें फिर ये है कि डेफिनेटली फ़र्स्ट प्रायोरिटी तो उन्हीं के स्टूडेंट्स की होती है ना जिनकी क्यूरीज वगैरह आई होती हैं और इन टाइम हमें असाइनमेंट्स जो है ना उनकी सबमिट करनी होती है तो फिर बाद में अगर माइट भी कि अगर आपको कम्पल्सरी कोई चीज़ कंफर्म करनी है तो एक दिन एक दिन अगर पेंडिंग पे चला जाता है मैसेज तब भी आपको प्रॉब्लम आएगी तो इसीलिए मैं कह रही हूँ साथ साथ कवर करें और आपको जो है ना फिर बाद में ये प्रॉब्लम्स नहीं फेस करने पड़ेंगे क्लास ग्रुप में एक रिमाइंडर मैसेज कर दें कि क्लास स्टार्ट होगी हुई है तमाम स्टूडेंट जो है ना क्लास ज्वाइन करें अच्छा स्टार्ट करते हैं अब इसमें आपने क्या करना है कि सोर्सिंग सप्लायर uh, को कैसे फाइंड आउट करना है मैंने कल भी आपको एक चीज श्योर uh, sure की थी कि सप्लायर जो है ना वो इस तरह से होता है फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है ना ये वाली ये वाली ठीक है अब नॉर्थ प्रो जो है ना ब्रांड है ठीक है अब माइन प्रो को मैंने ई मी मैम अ मैम uh, मैं रियली सॉरी टू से कि हम लोग पहले प्रोडक्ट हंटिंग की प्रैक्टिस कर लें क्योंकि मुझे लग रहा है सोर्सिंग जल्दी uh, जो है वो हो जाएगी इस तरह क्योंकि हमारी अभी प्रीवियस प्रैक्टिस तो हुई नहीं है उसमें ये सिर्फ एक सोर्सिंग का मेथड हमने सप्लायर को फाइंड आउट करने का करना है ये सोर्सिंग इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होनी बहुत ज्यादा मेथड्स हैं तो ये अभी आपको कमिंग टोटली तकरीबन सैटरडे तक अगेन टाइम दिया जाएगा जिसमें आपने सिर्फ हंटिंग के ही जो मैंने आपको टास्क दिया है या ब्रांड हंटिंग का टास्क दिया है वो आपने मुझे कंप्लीट करके सबमिट करवाना है तो प्रोडक्ट हंटिंग का ही मैंने टास्क दिया हुआ है उसका इशू नहीं है और साथ ही अभी देखते हैं आपकी प्रैक्टिस वगैरह भी सिर्फ एक मेथड है सोर्सिंग का ये सप्लायर को फाइंड करने का तो इसको देख लेते हैं और बाकी जो है ना कमिंग सैटरडे से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे ओके ओके मैम अच्छा जी अब इसमें हम बात कर रहे थे कि देखें आपने क्या करना है सिंपल मेथड है आपने गूगल पे जाना है और यहाँ पे आपने ना राइट करना है पेट सप्लाइज डिस्ट्रीब्यूटर टैक्साज अब इसमें एक चीज़ मैं लॉजिकल आपको बताने जा रही हूँ गौर से आपने इसको कंफर्म uh, करना है uh, सुनना है इसको कंसिडर uh, करना है देखें पैट सप्लाइज ये तो मैंने जितनी आपको कैटेगरीज़ बताई है ना इनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सर्च आउट कर सकते हैं पैट सप्लाइज डिस्ट्रीब्यूटर टैक्साज अब ये टैक्साज जो है ना ये फॉर एग्जांपल आप यूएसए में आप स्टेट राइट करेंगे ना यूएसए के कितनी की कितनी स्टेट्स हैं आपको हज़ारों की तदाद में पता नहीं कितनी वहाँ पे ना ये स्टेट्स हैं लाइक टेक्सास है, है एंजलिना है या फिर जैसे हम बर्मिंगम या फिर बहुत ज़्यादा हैं उनके अकॉर्डिंग जो है ना आप यहाँ पे स्टेट चेंज कर करके ना यहाँ से सर्च कर सकते हैं और आपको बहुत वास्ट लेवल पे रिजल्ट्स मिलेंगे ठीक हो गया अब अगर हम बात करें कि ये ये देखें कितने आपके पास लिंक है और ये तमाम आ, कौन से वाले सप्लायर हैं जो कि यूएस में इस टाइम पे टेक्सास में जो है ना ये सप्लायर काम कर रहे हैं तो ये सिर्फ मैंने टेक्सास राइट किया आप इसको चेंज कर करके मल्टीपल और वास लेवल पर रिजल्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं उनके अकॉर्डिंग देखें पेट सप्लाइज है अब फॉर एग्जांपल जी <coughs> अब इसमें ना मैं आपको कैटेगरीज अजाइन करूँगी उसके अकॉर्डिंग आपने ना सर्च आउट करके आना है तो फॉर एग्जांपल ये पेट सप्लाइज रब्या का टास्क था कि मैंने उनको पैट सप्लाइज जो है ना अज़ाइन की हुई है कैटेगरी तो उनके अकॉर्डिंग ही वो सर्च आउट करेंगी अब यहाँ पर अगर मैं होम एंड किचन राइड करती हूँ तो होम एंड किचन माइड भी के राशिद की असाइनमेंट हो तो राशिद होम एंड किचन के अकॉर्डिंग जो है ना इसके रिज़ल्ट uh, को फाइंड आउट करके आएंगे तो ये आपकी असाइनमेंट होगी लेकिन इसमें ना आपने करना क्या कि Uh, अपने अकॉर्डिंग आपने यहाँ से सर्च करके ना कैटेगरी uh, राइट करते हुए तो आपने क्या करना है कि ये टैक्सास जो है ना ये आप स्टेट्स वगैरह स्टेट के अकॉर्डिंग चलेंगे ज़रूरी नहीं सभी ने टैक्सास में नहीं फाइंड करना आप राइट कीजिएगा गूगल पे कितनी स्टेट्स हैं ठीक है यूएसए स्टेट कितनी है और उनके नेम जो है ना आपने उनके अकॉर्डिंग चलना है जितने भी स्टेट्स होंगे ना स्टेट्स होंगे आप उनके अकॉर्डिंग वन बाय वन जो है ना रिजल्ट्स को फाइंड आउट करेंगे और वास लेवल पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे आप भी ये नीचे चेक कर सकते हैं uh, यहाँ पे नीचे लास्ट पे जाके देखिए ये कितने ज़्यादा रिजल्ट्स हैं ये तमाम जो है ये uh, डिस्ट्रीब्यूटर ही हैं लेकिन अभी ये सिर्फ एक पेज है अभी वो बताएंगे कितने पेजेस हैं ये फिफ्टी प्लस पेजेस होते हैं और इस पे जो है ना हमें बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं ये देखें मोर रिजल्ट्स पे जाएंगे और मज़ीद आपको ये बताएंगे अब इसमें फॉर एग्जांपल एक सप्लायर मैं आपको बताती हूँ जो कि अथेंटिक सप्लायर भी हैं और इसके पास प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं यहाँ पे था एक सेकेंड अच्छा इसमें ना अथेंटिक सप्लायर को फाइंड करना भी एक अलहदा से जो है ना वो टास्क है अब ये देखें किंग होलसेल किसी को भी आप ओपन कर सकते हैं लेकिन आपने अथेंटिसिटी की ऐसे फाइंड आउट करनी है इस पर मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगी जिसके थ्रू आपको ना एक अथेंटिक सप्लायर फाइंड आउट करने के लिए एक काफी हद हाँ तक जो है ना वो आपके लिए ईजी हो जाएगा काम फॉर एग्जाम्पल अब आपने करना क्या हमारा कंसर्न होता है सिर्फ कॉन्टेक्ट हज़ यानी कि उनका नंबर हमें मिल जाए या फिर उनका जो है ना हमें ई मेल ई मेल हमें फाइंड करनी होती है देखिए टॉप पे उन्होंने कॉन्टेक्ट का जो है ना ऑप्शन दिया हुआ है या तो इस पर क्लिक करके हम देख सकते हैं अगर सम टाइम टॉप पे ना दिया हो ना फिर हम लास्ट पे चले जाते हैं कि लास्ट पे ना इनका ई मेल और फ़ोन नंबर हमें मिल रहा होता है अब यहाँ पर देखें इन्होंने सिर्फ नंबर दिया है और साथ उन्होंने ना ये फॉर्म दे दिया है अब आपने ये देखें वो, वो कैटलॉग भी बता रहे हैं कैटलॉग इनके पास है साथ ये बता रहे हैं किंग होल सेल पैट सप्लाइज अच्छा एक और चीज यहाँ पे देखें फेसबुक का है ना आइकॉन फेसबुक के आइकॉन पे क्लिक करेंगे ना तो इनका जो है ना हमें मिल जाएगा माइट बी ईमेल हमें फेसबुक से मिल जाए तो आपने पहले तो ट्राई करनी है वेबसाइट को एक्सप्लोर करने की अगर तो वेबसाइट से ही मिल जाती है ना ईमेल और फ़ोन नंबर फिर ज़रूरत नहीं है इधर उधर जाने की अगर हाँ ऐसा है कि इनकी ईमेल मुझे नहीं मिल रही थी फिर मैंने यहाँ पे देखना है इन्फो में माइट भी इनकी ईमेल हो जी बिल्कुल इनकी ई भी मौजूद है और फ़ोन नंबर भी यहीं से मिल गया है इसमें इनके यहाँ से ई और फ़ोन नंबर पकड़ेंगे और इनको ना ईमेल और फ़ोन नंबर लेके और वह इसी एक्सेल की फाइल में जैसे मैंने आपको बताया था ईमेल का ऊपर हेडिंग दे के ई मेल राइट करते जाना है पहले सप्लायर के नेम राइट करने हैं फिर ई मेल्स राइट करनी है और एंड नेक्स्ट कॉलम में आपने फ़ोन नंबर राइट करना है ये तीन चीज़ें हमें कंपलसरी होती हैं होल सेल एफ बी ए में काम करने के लिए ठीक हो गया और ये सप्लायर की ई मेल्स मैंने फाइंड फाइंड आउट की हैं डिस्ट्रीब्यूटर की अब इसमें आपने करना क्या फ़र्स्ट प्रायोरिटी हो हमारी होती है डिस्ट्रीब्यूटर अगर यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे अगर आप होलसेलर राइट राइड करेंगे ना तो होलसेलर आ जाएंगे मतलब होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना इन रिटर्न इन दोनों को हम ही कहते हैं तो इनके ये ये कौन ये कौन से पर्सन होते हैं ये ब्रांड के ऑथराइज पर्सन होते हैं इन्होंने ब्रांड से लिंक किया होता है उन्हीं से प्रोडक्ट्स लेके अपने पास रखी होती हैं और ये प्राइस ब्रांड जितनी तो नहीं देते फॉर एग्जांपल अगर ब्रांड आइसक्रीम स्कूप ब्रांड से मिल रहा है जीरो पॉइंट समथिंग में और ये हमें माइट भी दो डॉलर में दे या डेढ़ डॉलर में दे ठीक है इनकी प्राइस ब्रांड से मैच तो नहीं करती लेकिन थोड़ी सी हाई होती है लेकिन ये है कि फिर भी हमें होलसेल प्राइस पर मिल जाती है इनसे प्रोडक्ट यानी ये वो प्रॉफिट जो हमें चाहिए होता है ना होलसेल में वो हमें इनसे मिल जाता है तो इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि आप इनसे जो है ना रब और ये जो है ना टास्क अजाइन किया है ना इसमें आपने एक तो ये चीज़ कंसिडर करनी है मैं अभी असाइनमेंट अजाइन करती हूँ कैटेगरीज अजाइन करती हूँ तमाम तो स्टूडेंट्स को उनके अकॉर्डिंग आपने चलना है और ये पैड सप्लाइज जो है ना ये पैड सप्लाइज यहाँ पर आपने कैटेगरी चेंज करते रहना जो मैंने मैंने आपको डिज़ाइन करनी है उनके अकॉर्डिंग आपने चलना है और टैक्साज जो है ना ये सिर्फ टैक्साज में आपने वर्किंग नहीं करके आनी यहाँ पे आप गूगल पे आप राइट कीजिएगा यूएस में कितनी स्टेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग फिर आप चलिएगा तो इनको चेंज कर कर करके जो है ना वो आप उनके अकॉर्डिंग ये फॉर एग्जांपल जैसे कि वन ट्रिपल जीरो हम जो यहाँ पे एंटर करते हैं हाँ जी वन ट्रिपल वन ट्रिपल जीरो वन जो है ना न्यू यॉर्क का है पोस्टल कोर इसके अलावा न्यूयॉर्क या फिर टेक्सास या फिर बर्मिंगम या फिर एंजलिना बहुत ज्यादा यहाँ पे स्टेट्स हैं आप उनके अकॉर्डिंग जो है ना यहाँ पे सर्च आउट करके मल्टीपल जो है ना अब एक ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि इसको यूनिक से यूनिक रिजल्ट्स आपके पास आपके जो है ना आपके पास आएँ ताकि आप आगे जाके इन्हीं असाइनमेंट्स को एक दूसरे के साथ जो है ना एक्सचेंज करेंगे उसका डेफ़िनेटली आपको बेनिफिट्स होगा आपके पास हज़ारों की तादाद में ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर पड़े होंगे जब आप अल्लाह करे आपके पास क्लाइंट्स आते हैं तो डेफिनेटली आपके पास एक बस तकरीबन आपका सिक्सटी परसेंट काम हो गया होगा तो ये टास्क आपने आ, मुझे सबमिट करवाने हैं उसमें मैं देखूंगी अगर तो कोई प्रॉब्लम हुआ या इस तरह से तो उसको इम्प्रूव करेंगे और इसके बाद जो है वो आप लास्ट पर एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे फाइल्स ताकि आपके पास ऑलरेडी डाटा मौजूद हो अब इसमें चलते हैं जी प्रैक्टिकल क्लास की तरफ सबसे पहले मैं कैटेगरीज कैटगरीजाइन कर दूँ उसके बाद हम मेन टॉपिक पे चलते हैं कैटेगरीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा वैसे तो कैटेगरीज हैं लेकिन हम चलते हैं सबसे पहले अदील जो है ना अदील को कैटेगरी असाइन करते हैं कंफर्म <खेँगी> करें तमाम स्टूडेंट्स आवाज आ रही है ना सबको जी आ रही है मैम आ रही है आपकी मैम आ रही है मैम ओके ओके अच्छा जी अदील जो है उनको कैटेगरी असाइन करते हैं सबसे पहले यहाँ से बेबी कैटेगरी जो है ना बेबी प्रोडक्ट्स की बेबी कैटेगरी ये आदिल की कैटेगरी होगी आदिल कंफर्म करें आवाज आ रही है आपको जी आ रही। ओके okay, ओके okay. आपकी कैटेगरी होगी बेबी प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग ठीक है आप जो भी, भी. सर्च आउट करेंगे जो भी ना उसमें आपने बेबी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही सर्च आउट करना है डाटा इसके बाद होमेरा है हुमेरा आपकी कैटेगरी होगी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के अकॉर्डिंग ओके okay, मैम नेक्स्ट बिलाल बिलाल आपकी कैटेगरी आ... यहाँ से हैंडमेड प्रोडक्ट्स पे आप कर लें हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो है ना ये काफी सर्च आउट गूगल से हमें मिल जाती हैं ओके okay, मैम जी सायरा सायरा आप जो है ना हेल्थ एंड हाउस होल्ड पे करेंगी काम ओके okay? yeah, okay. ठीक हो गया अच्छा जी अब काशिफ हैं काशिफ होम एंड किचन पे आप काम करेंगे काशिफ okay, नेक्स्ट हैं जी कोमल कोमल आप जो है ना इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक पे काम करेंगे इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक आपकी कैटेगरी होगी नेक्स्ट हैं जो है ना यहाँ पे एक सेकेंड अच्छा जी मकसूद आप ऑफिस प्रोडक्ट पे काम करेंगे ओके okay. अच्छा जी यहाँ पे है मोहम्मद अली मोहम्मद अली आप जो है ना ऑटोमेटिक पे काम करेंगे ऑटोमेटिक कैटेगरी तो मैं तक कहती हूं बिल्कुल ऑटोमेटिक पे इस पे बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स मिलती हैं और ये यूनिक कैटेगरी है अच्छा मोहम्मद राशिद हैं जी राशिद आप जो है ना पेट सप्लाइज पे काम करेंगे ओके okay मैम नेक्स्ट है सोएब आप जो है ना स्पोर्ट्स एंड आउटडोर पे काम करेंगे शोएबाशाक आर यू देयर अच्छा शोएब इशाक हैं अच्छा आप स्पोर्ट्स एंड आउटडोर पे काम करेंगे और जो भी ये मैं कैटेगरी कर रही हूँ ना जस्ट आपने रहना है आप मतलब जो जो भी जो भी टास्क नेक्स्ट में आपको असाइनमेंट डिजाइन करूंगी जस्ट आपने अपने कैटेगरी अपने माइंड में रखनी है उसके अकॉर्डिंग आपने वर्किंग करके आना है यूएस में, में भी अगर आप कर लें या यूके में कर लें कोई मसला नहीं है

लेकिन चलिए बाकी असाइनमेंट्स भी मैंने आपको ज्वाइन की हुई है ये आप सिक्सटी से ऑनवर्ड सेवेंटी तक कर लें जैनब आर यू देर जी मैम जैनब आप टॉयज एंड गेम पे करेंगे काम ओके मैम मेरे ख्याल में मैंने सभी को असाइन कर दिए अगर किसी को असाइन नहीं मैम मुझे नहीं किया आपने राबिया ओके, ओके, सारा, और, कोई? और, कोई है, सारा है, और सारा राबिया आप जो है ना आप काम करेंगे पेशियो लॉन एंड गार्डन पे ये मैंने किसी को कैटेगरी की है राइट नाउ नो मैम नो देन राबिया आप पेशु लॉन एंड गार्डन पे काम करेंगी और टूल एंड होम इम्प्रूवमेंट पे सारा आप काम करेंगी ठीक है मैम ओके मैम okay, आपने कैटेगरी दी तो उनको भी बता दें उन्होंने मैसेज में कहा शाजिया ने शाजिया जो है मेरे ख्याल में एक सेकंड वेट कीजिएगा यहाँ से चेक कर लेते हैं कोई रह गई है अच्छा आप शाजिया को कहें कि सेल्फोन एंड एक्सेसरीज पे आप काम करें सेल्फोन एंड एक्सेसरीज पे ओके okay. ठीक है मैम और यहाँ पे रुकसाना है रुकसाना आयु देव आवाज आ रही है मैं उन्होंने क्लास नहीं जॉइन की हुई जी मैंने अभी जॉइन की है मैं आवाज आ रही है ठीक हो गया रुखसाना ने अभी ज्वाइन की है अच्छा इसमें रुखसाना आप जो है मैंने कैटेगरी अजाइन की है उन्हीं के अकॉर्डिंग टास्क दिया जाएगा और जो भी टास्क होगा ना उसी कैटेगरी में रहते हुए आपने टास्क परफॉर्म करके सबमिट करवाना करना है तो बाकी सभी को टास्क अजाइन कर दिया गया है लेकिन आपको मैं जो है ना एक कैटेगरी जवाइन करती हूँ उसमें आप वर्किंग कीजिएगा ये आर्ट क्राफ्ट एंड स्वयं इस आप इस कैटेगरी में आप काम नहीं बल्कि ये मैंने किसी को अजाइन कर दिया शायद मुझे जरा थोड़ा सा क्योंकि मैं ना थोड़ा सा अभी नहीं मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है आ, ठीक है ठीक करने है ठीक 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 आप आप ऐसे करें... ठीक है, आप ऐसे करें करें बिल्कुल बेबी प्रोडक्ट्स पे काम कर बेबी प्रोडक्ट्स पे काफी वास्ट रिजल्ट्स मिल जाते हैं ठीक हो। अभी करना होगा या बाद में हम कल तक या कमिंग के लिए मुझे दिया मैम ये बेबी प्रोडक्ट्स पे ना ऑलरेडी मैंने दी है माइटी राशिद को दी है शायद असाइनमेंट या बिलाल को दी, अदील, अदील, अदील. अदील को अदील को दी दी है और कोई मसला नहीं है अगर <coughs> भी हो रही है ना अभी कितने स्टूडेंट्स रहते होंगे इन्हीं में से मैंने रिपीट करके देनी है लेकिन रिजल्ट्स आपके वास्ट लेवल पे और यूनिक से होने चाहिए फॉर एग्जांपल ये देखें माइट भी अगर अदील ने इस तरह से वर्किंग की है कि ये जैसे मैंने अभी आपको बात की है ना यहाँ पे अच्छा यहाँ पे माइड भी Uh, यही बेबी प्रोडक्ट दी है और uh, टेक्सास में माइट भी ये रुखसाना जो है वो टेक्सास में काम ना करें वो कोई और स्टेट राइड कर लें तो वो तो अब आपकी अपनी मेहनत है ठीक है लेकिन ये कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें जो क्लास में नहीं है तो डेफिनेटली उनको इन्हीं में से मैंने रिपीट करके जो है ना कैटेगरीज असाइन करनी है ये वीडियो गेमिंग और वीडियो शॉर्ट्स और क्लॉदिंग इस तरह की कैटेगरीज से हम अवॉइड करते हैं तो इसलिए ये जो कैटेगरीज है ना जस्ट यही हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने फिर अगर कोई रहता होगा स्टूडेंट तो मुझे इनबॉक्स में मैसेज करे उसके अकॉर्डिंग फिर मैं उनको इन्हीं में से रिपीटेड जो है ना असाइन करूँगी मैम ये टॉय और गेम इस ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेल वाले होते हैं कि वो ख़राब का ये मसला जो होता है तो ये हम ले सकते हैं क्या प्रोडक्ट उसमें डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कुछ ऐसी होती हैं वैसे कि नो डाउट के इलेक्ट्रॉनिक वैसे मेरे ख्याल में कि इलेक्ट्रॉनिक टाइप की ज़्यादा नहीं आएंगी टॉयज़ प्लेइंग टाइप की आती हैं और बेबीज़ के लिए इलेक्ट्रॉनिक टाइप की मतलब और साथ लार्ज ओवर साइज प्रोडक्ट हर एक में होती हैं लेकिन आप ना इसमें चेक कीजिएगा मेरे ख्याल में में सही होती हैं रिजल्ट्स इसमें गेम्स कोई मसला नहीं। आप अगर कोई पे okay. होता है ना, तो आप, मुझे में चेक कर मैं आपको कर आपको आप नहीं देती हैं है और इस वजह से करके ना तो वो... मैंने लास्ट वीक आपको इनबॉक्स किया था लास्ट डे आपने देखा है चले आप रिमाइंडर करवा दिया करें तो उसमें फिर मैं इंशाल्लाह लेटिन कर लिया करूंगी बाकी ये है कि प्रैक्टिकल क्लास दे। में इसी लिए रखी जाती है ना कि अगर कोई इस तरह का इशू आया कि माइट भी अगर कोई कन्फ्लिक्ट है कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसमें दूर कर लिया करें क्योंकि ट्वाइस गेम में अक्सर बैटरीज वगैरह इस टाइप की ट्वाइस होते हैं ना इस वजह से मैं आपसे उसमें फिर ये चीज़ आ जाती है ना माइड बी आ, अच्छा अब इसमें ना मैंने जो टास्क आपको देने हैं ना होलसेल का मैं एक स्नै या फिर आप कह लें समरी समरी में आपको एक्सप्लेन कर दी चलो होलसेल में सारी गेम होती है ब्रांड अप्रूवल की सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर अप्रूवल की अगर इनसे अप्रूवल मिल जाते हैं अब देखिए फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल इनको करूंगी यहाँ पे देखें ये किंग जैसे कि ये किंग है एक डिस्ट्रीब्यूटर है और अब इसके पास सिर्फ़ एक ही प्रोडक्ट तो नहीं ना होगी अगर हमें ये अप्रूवल देता है तो उसके पास हज़ारों की दादाद में प्रोडक्ट्स होती हैं और ये सिर्फ़ फॉर एग्जांपल किंग के पास सिर्फ बेबीज़ की प्रोडक्ट नहीं पड़ी होंगी इसके पास होम एंड किचन की भी होंगी किचन एंड डाइनिंग की भी होंगी और डिफरेंट मतलब कैटेगरीज़ की इसने प्रोडक्ट्स रखी होंगी इनका ना डिफरेंट ब्रांड के साथ ना रिलेशन होता है तो फिर इन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल इसने जोगो ब्रांड से लिए हैं पचास पीस होम एंड किचन की प्रोडक्ट्स के और इसने मैं पचास कह रही हूँ पचास की तादाद में ही लेते हैं इनके पास हज़ारों की तादाद में होती हैं प्रोडक्ट्स तो इसके अलावा इसका जो है ना रिलेशन है यानी कि किसी भी ब्रांड के साथ और नॉर्प्रो ब्रांड है और उससे इसने माइट बी के टॉयज कैटेगरीज के, के रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स ली हैं तो इसके पास तो हज़ारों की तादाद में प्रोडक्ट्स पड़ी होनी है अब इसके पास सिर्फ़ एक नहीं है हमारा कंसर्न है कि अगर इसे अप्रूवल मिल जाता है ना हमें अगर ये होलसेल अकाउंट ओपन कर देता है उसमें फिर ये है कि हम इसकी न, इसने ना एक शीट हमें कैटलॉग प्रोवाइड करना है अब उस कैटलॉग में हज़ारों की तादाद में जो प्रोडक्ट्स पड़ी होनी है ना हज़ारों की तादाद में प्रोडक्ट्स को एनालाइज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता फिर हमने एक टूल होता है स्कैन अनलिमिटेड टूल उसके थ्रू स्कैन करके ना शीट को तो उसमें वो टूल हमें बता देता है कि ये ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको इतना प्रॉफिट दे रही हैं वो फिर प्रॉफिट अगर फिफ्टीन से अबव वाला प्रोडक्ट्स जो जिनका प्रॉफिट फिफ्टीन से अबव होता है ना हम उनको एनालाइज़ करते हैं इंडिविजुअली हमने फिर उनको आ, देखना होता है फिर उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं अगर तो प्रॉफिट अच्छा है ठीक है और क्राइटेरिया मीट कर रही है प्रोडक्ट फिर हम इस किंग ब्रांड से मैं रहा करूंगी कि आपकी ये प्रोडक्ट है और इसका ना मतलब ये प्रोडक्ट मैं अपनी प्रोडक्ट लाइन में ऐड करना चाह रही हूँ तो ऑर्डर प्लेस करना चाह रही हूँ फिर ये मुझे एक शीट भेजेंगे जिसके थ्रू मैं मैंने ऑर्डर प्लेस करना है ऑर्डर फॉर्म होगा इनका तो उसके थ्रू मैंने फॉर एग्जांपल फिफ्टीन यूनिट्स या ट्वेंटी यूनिट्स मंगवाने हैं तो इन इनको ऑर्डर प्लेस करके मैं उनको लाइव करूँगी ये रोड मैप होता है इसमें आप बिल्कुल भी ये कन्फ्यूज़न ना रखें कि मैंने क्योंकि टास्क ज़्यादा आपको देना है ये ये सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर या होल सेलर फाइंड आउट करने का नॉट अ प्रोडक्ट ठीक है प्रोडक्ट में मैंने सिर्फ शॉर्ट आपको कल वाली असाइनमेंट दी है वो आपने सबमिट करवानी है उसके बाद इनफ आप जो भी टास्क दिया जाएगा सोर्सिंग के अकॉर्डिंग होगा वो वो आपने कम्प्लीट करके आना है मैम मैंने आपसे ये पूछना था कि जो आपने मुझे आ, हमें कैटेगरी दी है तो मैंने इसकी विनिंग प्रोडक्ट्स की ईमेल्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड कर, कर सबमिट करवानी है लास्ट वीकेंड कल मैंने आपको एक एक असाइनमेंट डिजाइन की थी कीपा के ग्राफ के थ्रू ना हमने एक मेथड कल पढ़ा है जिसमें हमने देखा था कि जो स्पाय मेथड या चेन रिएक्शन मेथड होता है ना उसके थ्रू हमने कीपा के थ्रू हमने प्रोडक्ट्स को भी कैसे फाइंड आउट करना है और कल वाले मेथड अगर किसी को आ गए ना तो मैं कहती हूँ तकरीबन आपको फोर्टी परसेंट होल क्लियर हो जाएगा और इसलिए कल वाली वीडियोस को आपने रेपिटेशन पे देखना और जहाँ पर कन्फ्यूजन आती है आप वहीं पे आप जो है ना मुझे इनबॉक्स में क्यूरी करें सेकेंडली कि इसमें आप तकरीबन फोर्टी परसेंट आपका क्लियर हो जाएगा उसमें मैंने ये चीज़ मेक श्योर sure की थी कि आपको विनिंग प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट हो सकती है टूल्स के थ्रू कीपा के थ्रू कीपा पे आपने क्राइटेरिया ही उस तरह का एंटर करना है कि जिसके थ्रू इजी है आपके लिए प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करना तो आपने करना क्या है कि असाइनमेंट आपकी ये है कि आपको स्पाई मैथड के थ्रू मैंने बताया था कि आपने प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करके आनी है और इसी मेथड के थ्रू मैंने लास्ट टाइम आपको फिर बताया था लास्ट वाली फोर्टी मिनट्स में मैंने आपको एक मेथड बताया था जिसके थ्रू आपने ब्रांड्स को कैसे फाइंड आउट करना है तो ये दो मेथड कल मैंने आपको टास्क डिजाइन किए थे और आज का टास्क है जी आपने यहाँ पे ये देखें जैसे मैंने सोर्सिंग का इस लेक्चर को रेपटेशन पर देखेगा अगर किसी का मिस हो गया तो आई होप ये और अगर किसी ने सुना भी है तो माइड भी उनको क्लियर ना हो लेकिन ये रेपटेशन पे देखिएगा तो मेरे ख्याल में ये क्लियर हो जाएंगी चीज़ें ये इतना वो रॉकेट साइंस नहीं है अच्छा ये देखें इसमें पेट सप्लाइज डिस्ट्रीब्यूटर टैक्सास पेट सप्लाइज तो आपने अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चलना है ना फॉर एग्जाम्पल जो जो मैंने आपको कैटेगरीज डिज़ाइन की हैं उनके अकॉर्डिंग आपने सर्च करना है डिस्ट्रीब्यूटर टैक्सास जो है ना ये स्टेट है अब यूएस में सिर्फ एक ही स्टेट नहीं है बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं ठीक है अब आपने उनके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर कर करके यानी कि आपने रिजल्ट लेके आने हैं ठीक हो गया तो इनके अकॉर्डिंग ये जितने भी ई मेल आपने क्या करना है फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी एक वेबसाइट पर क्लिक किया नेल्सन होलसेल को देख लेते हैं अब किसी एक वेबसाइट को मैंने ओपन किया इसकी मुझे ईमेल और फोन नंबर चाहिए ठीक हो गया और ईमेल और फोन नंबर के अकॉर्डिंग आपने जो है ना इसको एंटर करना अब इसमें ना एक और चीज़ देखी जाती है नेट स्लो है माइट भी ये अपडेट हो जाता है तो इसमें ये देखें जैसे मैंने ऑलरेडी इसको ओपन किया हुआ था किंग वालों को तो किंग में आप चेक कर सकते हैं कि ये किंग की वेबसाइट है उन्होंने ना ईमेल ना टॉप पे नहीं दी हुई थी फिर मैंने आ, क्या किया कि आ, आपने क्या करना है कि यहाँ पे उन्होंने अपना फ़ेसबुक का आइकॉन दिया होगा वहाँ पे फेसबुक के आइकॉन पे क्लिक करके ना तो आपने इनकी फ़ेसबुक पे जाके आपने इनका ई और फ़ोन नंबर फाइंड करना है लेट्स ही समटाइम ऐसे होता है कि फ़ोन नंबर या ई नहीं दी हुई तो फिर इट्स मीन के आपने उनका जो है ना ये फॉर्म फॉर्म आपने उसका लिंक यहाँ से कॉपी करना है से करने और एक्सेल की सेव करना है और उसके अकॉर्डिंग आपने वो सबमिट करवाना है अब फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं एक आपको ना कल मैंने टेम्पलेट आपको आपको टेम्पलेट प्रोवाइड किया था जहाँ पे आपने ई मेल्स वगैरह एंटर करनी है नहीं, मैं। नो, मैं। नो, नो, नो। चलिए आज मैं आपको ना वो सेंड कर देती हूँ उसके उस फॉर्मेट के थ्रू आपने चलना है और उसके अकॉर्डिंग आपने ना मैं आपको एक सैम्पल बताती हूँ एक सेकेंड जैसे कि ये मेरे ये मैं, तो मैं तो एक चीज पूछनी थी आपसे जी जी आ, मैं, मैं मोकल के टास्क ऑलरेडी मैंने ब्रांड्स हमने फाइंड कर लिए थे तो मैं उस पर वर्किंग करी थी लेकिन वो मैंने किसी और कैटेगरी में किए थे तो ऑलरेडी ब्रांड्स हैं जिस पे मैं वर्क कर रही हूँ तो उन्हीं पे ही मैं अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकती हूँ फिलहाल तो आपने कर लिया हुआ ना मैंने आज असाइन की है आपको कैटेगरीज लेकिन नेक्स्ट कमिंग जितने भी टास्क होंगे आपने नीचे स्पेसिफिक चलना है यानी कि जो मैंने आपको टास्क अजाइन किया है उसके अकॉर्डिंग चलना है जस्ट अभी के लिए आप उस पर कर सकते हैं कोई मसला नहीं है ओके मैम मैम कल की अ हमारी 13 रिकॉर्डिंग्स हुई थी तो एक आ, मिसिंग है वो भिजवा दीजिएगा मैंने आपको उसका स्पेशली लिंक सेंड कर दिया था वो ओनली लिस्ट मैंने की हुई है वो जस्ट आप देख सकते हैं वो वही स्टूडेंट देख सकते हैं जिनको वो लिंक शेयर किया जाएगा तो मैंने ग्रुप में सेंड किया था आपको नहीं मिला आवाज बहुत ज्यादा कट रही है मैम आपकी वॉइस करके प्यारी वॉइस ब्रेक हो रही है कोई इशू नहीं वेट कर रहे हैं जी मैम आपके वास्ते जी स्टूडेंट कंफर्म करें आवाज ब्रेक हो रही है अच्छा इसमें आपने करना क्या है जो मैंने आज का टास्क आपको प्रोवाइड किया है ना कल का टास्क मैंने ये दिया था कि ब्रांड और उनके नेम इस तरह से कॉलम आपने बनाना है ऊपर हेडिंग देनी है ब्रांड नेक्स्ट uh, में आपने वेबसाइट का ठीक है वेबसाइट की आपने हेडिंग देनी है इसी तरह ठीक है और नेक्स्ट uh, ऑनवर्ड आपने ईमेल जो है ना उनके ईमेल्स मेल्स ज़ाहिर है आपने वेबसाइट पे जाके उनकी ईमेल्स कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते जाना है बिल्कुल ब्रांड के बिल्कुल सामने उन्हीं का डाटा होना चाहिए मिक्सअप नहीं होना चाहिए अब इसमें ये ना ना हो कि आपने अगर ये डॉक्टर ब्राउन का ईमेल फाइंड की है तो वो आप हेलो हेलो वेलो के सामने आप पेस्ट कर रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं करना एग्जैक्ट सामने होना चाहिए डाटा इसके अलावा ये देखें अगर ये लिंक कब आपने लेना है जब टाइम ऐसे होता है ना कि ब्रांड अपनी ई नहीं आपके फाइंड आउट हो रही होती तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया ना आपको ये देखें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस ब्रांड की ई मेल फाइंड ना हो रही होती तो फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ से आपने ना उस ब्रांड का ये वाला जो है ना फॉर्मेट इसका इसने जो आ, उन्होंने कहा हुआ है कि ये फॉर्म फिल करें आपने उस फॉर्म का लिंक कॉपी करके ना लिंक कॉपी करके आपने तो यहाँ से आपने कॉपी किया और यहाँ पे आपने आके तो उस ब्रांड का लिंक जो है वो पेस्ट कर देना है ताकि अगर सम टाइम नई भी ईमेल फाइंड आउट हो रही होती फेसबुक पे जाते हैं कॉन्टेक्ट पे जाते हैं या टॉप पे हम देखते हैं हर जगह से नहीं मिली नहीं। तो कोई इशू नहीं है आप उसका फॉर्म तो होगा ना आ, उन्होंने कॉन्टेक्ट में सम टाइम फॉर्म दिया होता है ई मेल के बजाय आपने उस फॉर्म का लिंक जो है ना यहाँ पे पेस्ट कर देना है ठीक हो गया और नेक्स्ट आपने यहाँ पे फोन नंबर की हेडिंग देके ना फोन नंबर यहाँ पे राइट करते जाना है ये आपका काम है और कमिंग क्लास से पहले आपने ये टास्क सबमिट करवाना है अब इसमें ये देखें वेबसाइट का लिंक है वेबसाइट का लिंक भी आपने ऐड करना है तो ये चीज़ें आपने और ब्रांड का भी मैंने आपको डाटा प्रोवाइड किया था असाइनमेंट एज असाइनमेंट और सप्लायर का भी मैंने प्रोवाइड किया और ये जो सप्लायर वाला है ना ब्रांड बेशक आप फिफ्टी फिफ्टी कर लें फिफ्टी ओनली लेकिन सप्लायर जो है ना वो आपके हंड्रेड से कम नहीं होने चाहिए तो ये आपने टास्क परफॉर्म करके ना कमिंग uh, क्लास से पहले सबमिट करवाना है अभी ये मैं जो आपको बता रही हूँ ना ये डाटा uh, जो है ये डेफिनेटली uh, मेरा अपना पर्सनल डाटा है इसमें काफ़ी एफर्ट होती हैं लेकिन ये है कि मैं आपको इसलिए टास्क डिजाइन कर रही हूँ कि आगे जाके ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल प्रूफ होती हैं ये सिर्फ एक डाटा नहीं है हमारे पास ये बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड डाटा है ये मेहनत है इसके पीछे बहुत मेहनत होती है काफ़ी टाइम लगता है इन चीज़ों को काफ़ी मतलब जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ और यही काम चल रहा है जारी सी बात है और मेहनत इस चीज़ इन चीज़ों पे बहुत होती है और जब आप मेहनत करते हैं ना मेरा ईमान है इस चीज़ पर मेहनत का रिवॉर्ड जो है ना ज़रूर मिलता है जारी सी बात ऑन द फंड नहीं भी सम टाइम मिलता स्टूडेंट काफ़ी स्टूडेंट डिसआर्ड हो जाते हैं नहीं मिला मैंने मेहनत की थी मुझे वो रिवॉर्ड नहीं मिला ये वो ऐसे बिल्कुल नहीं होता देखें यहाँ जहाँ पे आप चार साल की डिग्री लेते हैं या पीछे आपने कितनी एफर्ट की होती है नर्सरी से आप स्टार्ट करते हैं और एजुकेशन लेते हैं तो यहाँ पे आपको तकरीबन अगर दो से तीन महीने यानी कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ जाता है तो मेरे ख्याल में इसको बिल्कुल भी वो ना लिया करें टेंशन में ना लिया करेंगे होता ही है ना स्टूडेंट ये सोच के आते हैं माइंड सेट माइंड सैट ले आते हैं हमें एक मंथ के अंदर ही हमने ना डॉलर अर्न करने हैं तो हाँ ये ये चीज़ है कि ये अमेजोन जो है ना ये चाइल्ड प्ले नहीं है ये आपको टाइम लगेगा एफर्ट लगेगी लेकिन रिवॉर्ड इसका बहुत अच्छा है तो इसके अकॉर्डिंग ये इन चीजों को जरूर इंप्लीमेंट किया जाए लास्ट पे चार या तीन चार मिनट रह गए इसमें जो भी क्वेरीज हैं आप करें उसके अकॉर्डिंग देखते हैं uh, मैम जो कल आपने असाइनमेंट दी थी उसमें हमने मिक्स प्रोडक्ट्स उठाए थे उसमें विनिंग प्रोडक्ट्स की मतलब इग्नोर uh, कर दिए थे तो वो हम लोग मतलब uh, उसी को कंटिन्यू करें असाइनमेंट को uh, कौन सी असाइनमेंट यस्टरडे uh, वाली जो जिसमें हमने एटी ब्रांड्स के कॉन्टेक्ट नंबर लेने हैं एसेंस जिन ब्रांड के हमने लिए थे ठीक हो गया अच्छा उसमें अग उन्हीं ब्रांड्स पे भी आप काम कर सकते हैं मसला नहीं है लेकिन जो मैंने आपको मेथड बताया था ना मेरा मेन पर्पस ये है कि आप मेथड के थ्रू गो थ्रू हों ताकि आपको वो प्रैक्टिस ज़रूर आए कि ये भी ब्रांड को फाइंड आउट करने का मेथड है तो नेक्स्ट आपको जब अपने लिए काम करना होगा जब आगे जाके क्लाइंट्स वगैरह होंगे आपके पास तो आप काम कर रहे होंगे ना तब आपको हर चीज़ का एनालिसिस आप ऑलरेडी कर चुके होंगे तो उसमें फिर ये चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाती है मेरा मेन पर्पज़ है कि आप प्रैक्टिकली गो थ्रू करें चीज़ों के साथ जो मैं प्रैक्टिस ये करवा रही हूँ ना काम हर मेथड आप इंप्लीमेंट करके देखें और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो फिर साइड बाय साइड आप कवर करें प्रैक्टिकल क्लासेस में ओके शुक्रिया मैम जी जी कोमल

बिल्कुल आप नेक्स्ट में कर लें सप्लायर के भी लिंक ऐड कर लीजिएगा जी ठीक है मैम ये जो ब्रांड का मतलब इसकी वर्कशीट अलग बनाएं और सप्लायर की अलग बनाएं या इसी में कॉलम ऐड कर दें उसका सप्लायर का बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है वेल well डन जबरदस्त आपने ऐसे बिल्कुल नहीं करना मिक्सअप नहीं करना आपने ब्रांड का कॉलम अलग से ये ये देखें सेकंड शीट पे आप चले जाएं नजर आ रहा है ना जी आपको सेकंड सेकंड शीट शीट पे आप चलेंगे और सेकंड शीट पे आप सप्लायर सप्लायर नेम वेबसाइट लिंक और इसी तरह मतलब ये जो जैसे जैसे ब्रांड के अकॉर्डिंग हम चलते हैं ना 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 वैसे वैसे आपने सप्लायर की, की जो है न, दे के न, उसके अकॉर्डिंग आपने डाटा एंटर करना है तो मिक्सअप नहीं करना आपने जी थैंक यू मैम मैम वो मैंने किया था ना पहले एजन वाला वो अलग शीट पे किया था और वो जो ब्रांड नेम्स वाला था वो कल अलग किया था तो इसीलिए मैं पूछ रही थी कि एक में ही करें या अलग अलग में करें नहीं नहीं जबरदस्त आप बहुत अच्छा जा रही हैं आप ऐसे ही बिल्कुल जो है ना सेपरेट कलेक्ट करेंगे थैंक यू मैम मैम मैंने एक चीज पूछनी थी आपसे मैंने आपको मैसेज किया था कि मुझे एक्सेल की शीट मैंने कभी बनाई नहीं है मुझे नहीं आइडिया तो वो बस फिर अगर थोड़ी सी उसमें मिस्टेक हो भी जाती है तो कोई इशू तो नहीं है नहीं नहीं कोई मसला नहीं है स्टार्टिंग पे बिल्कुल तमाम स्टूडेंट्स बिगनर होते हैं मसला, कोई भी इशू नहीं है बस ये है कि ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी ना अगर एक दफा प्रॉब्लम आई है आप शेयर करें उसमें जहाँ पे आपने यानी कि आपको प्रॉब्लम आई है उसको हम डिस्कस कि, किया करेंगे उसमें यह है कि नेक्स्ट कमिंग असाइनमेंट में वो आपकी इम्प्रूव होगी यही चीज हो जाएगी ना तो कोई मसला नहीं है स्टार्टिंग पे हो जाता है ऐसा वो उसमें वैसे मैंने ब्रांड्स के नेम और उनके कॉन्टेक्ट नंबर और जो उनकी उनका ईमेल था वो मैंने तो यानी एक्यूरेट थे लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम थी ना वो मुझे ये थी कि बनाने में प्रॉब्लम थी शीट और उसको शेयर करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी तो फिर मैंने जस्ट पिक्चर्स लेके आपको सेंड कर दी थी, थी कि जस्ट मैंने आपको अपनी असाइनमेंट शेयर करनी थी आपसे तो बाकी मुझे इतना आइडिया नहीं था अभी उसका ना नहीं आप ऐसे करें शेयर करने का ऑप्शन कोई मसला ही नहीं है जब आप डब्ल्यू पी एस ऑफिस में जाते हैं ना तो वहाँ पे आपको थ्री डॉट्स के थ्रू जब आप क्लिक करते हैं थ्री डॉट्स पे तो वहाँ पे शेयर का ऑप्शन होता है आप इजीली उसको शेयर कर सकते हैं WhatsApp पे पे सेंड कर सकते हैं सेकेंडली ये बनाने का जो है ना इशू इसलिए आ रहा है कि आप लैपटॉप पर जो है ना देखें एक्सेल आपने ओपन किया है तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट को कोई मसला ही नहीं होना चाहिए आप देखें यहाँ पे आपने यहाँ पे इसको यहाँ पे राइट करते जाना है फॉर एग्जांपल सप्लायर नेम सप्लायर के लिंक और इसी तरह आपने डाटा एंटर करते हैं यहाँ पे आप देखें राइट right साइड पे आप जब आप क्लिक करते हैं ना तो कॉपी यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आता है, है यहाँ पे पेस्ट करना है बस इतना लेकिन मेरे पास शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा था चलें अगर ये आ, किसी और स्टूडेंट कोई और स्टूडेंट इनकी हेल्प कर दे ग्रुप में वो आ, स्क्रीन शॉट भेज दे उनको कि किस तरह से वो थ्री डॉट्स या जिस तरह से आप शेयर कर रहे हैं लैपटॉप के थ्रू किस तरह से कर रहे हैं आ, कौन बताएगा